हेलो व्यूअर्स, क्या हालचाल। मस्त मच बहार वेलकम करता हूँ आपका ऑन अकेडमी इंक में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोर्स का अनाउंसमेंट, बिकम एन एक्सेल एक्सपर्ट। सो हमें एक्सेल एक्सपर्ट बनने की रिक्वायरमेंट क्यों है, सो थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कोई भी हमें रिपोर्ट अगर जनरेट करनी है तो उसमें हमें काफी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, और हम एक्सेल का यूज करते हुए भी कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं कि उसमें मिस्टेक आ जाती हैं, या फिर हम जिस तरीके से आउटपुट चाहते हैं वैसे हमें नहीं मिल पाता, हमें एक्स्ट्रा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो कैसा इजी वे में हम जो हमें रिक्वायरमेंट है वो आउटपुट ले सकें, वो हम सीखेंगे इस सीरीज में। तो इसमें काफी सारे मैं वीडियोज आपके लिए यहाँ पे अपलोड करूंगा, सो आपको अलग अलग की वर्ड के अकॉर्डिंग वीडियो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल टिप्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं और अपना जो वर्कलोड है कम कर सकते हैं, अपना काम इजी बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं बिल्कुल स्टार्ट ब्रीफ डेमो दूंगा आपको एक्सेल का। तो उसके लिए हम ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। अगर आप वर्जन का यूज कर रहे हैं 7 के अलावा 8 या 10 का, तो आप डायरेक्टली सर्च करके एक्सेल ओपन कर सकते हैं, ऑफिस एंड एक्सेल 2007। ये विंडो ओपन हो गई है, ये एप्लीकेशन विंडो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की। अगर आप दूसरे वर्जन का यूज कर रहे हैं 8 10, तो आपको व्यू थोड़ा अलग आएगा, कंटेंट लगभग सेम ही है। सो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें ऊपर नजर आएगा वो है टाइटल बार। हम किस नाम से अपनी फाइल को सेव करेंगे वो हमें सबसे ऊपर यहाँ दिखाई देगा, उसके बाद हमें इसके पास में ही दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हमें वो कमांड हम इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर हमें दिखाई देती है जिनका हमें फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ता है, वो बार बार हमें शॉर्टकट का यूज करना पड़े या फिर उस टैब में जाके उस कमांड का को अप्लाई करना पड़े, तो इसके लिए हमें यूज के लिए डायरेक्टली यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिया है। अगर आप कोई नया ऑप्शन ऐड करना चाहें तो इस तरीके से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना हो तो क्लिक दोबारा से करके हटा सकते हैं। उसके बाद ऑफिस बटन, ऑफिस बटन के अंदर जो हमें पुराने वर्जन में जो फाइल मेन्यू था सेम वही ऑफिस बटन है। और देखते हैं आगे, ये डिफरेंट टैब्स हैं जिसमें अलग अलग नेम के अकॉर्डिंग कमांड्स कंटेन है जिनका हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनका यूज कर सकते हैं। होम में जनरल यूज की, इंसर्ट में इंसर्ट करने के लिए कंटेंट्स को, एंड पेज लेआउट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पेज का सेटअप प्रॉपरली करने के लिए। फॉर्मूला में फॉर्मूला मिलते हैं हमें, डाटा मेन्यू में डाटा के ऊपर डिफरेंट वर्क्स करने होते हैं, वो सारी कमांड्स हमें डाटा मेन्यू मिलती है। रिव्यू मेन्यू में हमें मिलेंगी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड्स, और व्यू मेन्यू में मिलेंगी हमें वो कमांड्स जिसके द्वारा हम एक्सेल का व्यू डिफरेंट लेआउट के साथ देख सकते हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद आपको मिलेगा नेम बॉक्स या फ्रेंड्स बॉक्स। इसे नेम बॉक्स लिए कहा जाता है कि आप एक्सेल में प्रेजेंट में कहाँ पे हैं वो आपको लोकेशन बताता है। जैसे J12 मतलब J कॉलम है और 12 नंबर का रो है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया J12। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में एक नंबर हम नॉर्मली टाइप करते हैं, एक के साथ हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला इस तरीके से शो हो जाता है। इसके अलावा हम इसे एडिटिंग भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ABCD, ये आपका है कॉलम हेडर। ये जब भी आप प्रिंट निकालते हैं तो ये प्रिंट में नहीं आता, कॉलम हेडर के बाद देखते हैं रो हेडर। रो हेडर 1 2 से लेकर आगे तक कंटिन्यूसली चलते हैं, और जब भी आप प्रिंट निकालोगे तो ये प्रिंट में नहीं आते हैं, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए होते हैं ताकि आप प्रॉपर वर्क कर सकें विद रेफरेंस के साथ। ये एक्सेल की शीट होती है, आप काफी बड़ी शीट रहती है, न्यू सीट ओपन करना हो तो इस पे क्लिक करके आप न्यू सीट ओपन कर सकते हैं। स्क्रॉल बार्स रहते हैं, ये वाला रहता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक नीचे रहता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार।
तो ये एक बेसिकली डेमो हो गया एक्सेल का कि एक्सेल है क्या। हम इसके बारे में बेसिक चीजें जान चुके हैं, अब हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। और फर्स्टली आज हम काउंटिंग प्रिंट करते हैं। तो काउंटिंग प्रिंट करने के लिए सिंपल, आपको आता होगा फिर भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें जिनको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है और जिनको जो लोग सीखना चाहते हैं। देखिए आप जितने जितना ज्यादा ड्रैग करते जाएंगे ऑटोमेटिकली काउंटिंग प्रिंट होती जाएगी। इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक सिर्फ इतना सा है, आपको वन वन टाइप करना है फिर टू टाइप करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है और ये ब्लैक प्लस आ जाए तो आपको आगे पकड़ के इस तरीके से माउस से ड्रैग करना है। इससे होता क्या है, एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आपको काउंटिंग प्रिंट करना है तो वो ऑटोमेटिकली काउंटिंग कर लेता है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करते हैं, कैसे करेंगे, 100 के बाद 99, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए आप इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी काउंटिंग डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके लिए आपको टेबल्स आप प्रिंट कराना चाहें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 5 का टेबल देख लेते हैं, 5 के बाद 10 आता है। देखिए टेबल प्रिंट हो गया। सो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। उसके अलावा हम देखते हैं संडे, आपको अगर कोई चार्ट बनाना है जिसमें हम डेली वर्क्स लिख सकते हैं अपने, तो इस तरीके से आप जितना भी ड्रैग करते जाएंगे तो डेट ऑटोमेटिकली फिल होती चली जाएगी। उसके अलावा मंथ भी कर सकते हैं, मैंने जैसे टाइप किया 1 month, आगे के जैसे आपको सैलरी शीट बनाना हो तो आपको बहुत हेल्पफुल ये रहता है। और आगे हम सीखेंगे कि इसके अलावा भी उसके बहुत सारे हेल्पफुल हैं। तो आज फर्स्टली हमने सीखा काउंटिंग प्रिंट करना, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन टेबल, देन डेट और मंथ। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बेसिक वीडियो था और आगे हम इसमें काफी एडवांस प्रो लेवल तक जाएंगे। तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो एक्सेल सीखना चाहते हैं घर बैठे और विदाउट किसी कॉस्ट के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस हमारे चैनल हुनर अकेडमी को जरूर लाइक करें, शेयर करें ताकि आप कुछ नया सीखते रहें। और इसके अलावा हम और भी न्यू कोर्सेस, न्यू लर्निंग सीरीज लेके आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।